और ये देखिए कनक भवन का नज़ारा है शाम के 5 बजे। कनक भवन जिसे आप पिछले वीडियो में भी देखा होगा आपने, तो इस तरह से है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ अन्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है आज, और भक्त जा रहे हैं मंदिर के अंदर। और सामने देख रहे हैं आप दरबार श्री लाल साहब, तो दोनों पास पास ही हैं। तो ये देखिए कनक भवन का मुख्य एंट्रेंस, अंदर का व्यू भी आपको हमने दिखाया था पिछले वीडियो में। तो आज भी हम कनक भवन आए हैं और ये 5 बजे शाम को जा रहे हैं हम लोग दशरथ महल में। तो ये दशरथ महल के अंदर का नज़ारा है और राम भक्तों की टोली यहाँ पे, ये सभी राम भक्त यहाँ पे, बहुत सारे राम भक्त यहाँ आए हुए हैं। यहाँ सारे राम भक्त बहुत से अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं। और सामने ये देखिए दशरथ महल, तो आप अयोध्या आए तो दशरथ महल को जरूर देखें। तो शाम के समय हनुमानगढ़ी की ओर का नज़ारा इस तरह से है। और दशरथ महल से यदि हनुमानगढ़ी की ओर जाइएगा तो इस तरह का व्यू रहे शाम के समय, तो अच्छी खासी भीड़, पूरे दिन हमेशा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे भक्तों की। तो चलिए हनुमानगढ़ी, शाम के 6 बजे हनुमानगढ़ी में कुछ इस तरह से भीड़ है। और अभी भी यहाँ देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है सुबह से, तो यहाँ बहुत लंबी लाइन, ये देख सकते हैं हनुमानगढ़ी, तो कितनी ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन हनुमानगढ़ी में शाम के 6 बजे। तो हनुमानगढ़ी में बहुत लंबी भीड़, अभी शाम के 6 बजे भी इस तरह का स्थिति है। तो आप देख सकते हैं, और अयोध्या का प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी, मुख्य सड़क से हनुमानगढ़ी के आने का व्यू है इस तरह। तो पूरा हनुमानगढ़ी इलाके में इस तरह की भीड़। और यहाँ से सीधे आप जा सकते हैं लता मंगेशकर चौक। शाम के 6 बजे राम पथ पर इस तरह से नज़ारा है, तो पूरा अयोध्या भक्तिमय और मेले सा नज़ारा। भक्तों की टोली लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर की ओर, और राम मंदिर से लता मंगेशकर चौक की ओर 2 से 3 किलोमीटर की परिधि में मुख्य रूप से इतनी भीड़ है, और मुख्य सड़क पे इतनी भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और 6:30 बजे शाम को कुछ इस तरह से नज़ारा है तुलसी पार्क अयोध्या में, और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। तो ये देख सकते हैं तुलसी पार्क अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पे हो रहा है, और ये तुलसी पार्क में आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, और 2 महीना पहले भी जब हम आए थे तो हो रहा था। तो हर दिन यहाँ पे होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम। संध्या के 6:30 बजे राम की पौड़ी का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो ये है राम की पौड़ी का ऊपर का भाग, और चलिए आप लोग को दिखाते हैं राम की पौड़ी में, देखते हैं आज लेजर शो होता है या नहीं। तो हर दिन यहाँ लेजर शो होता है, तो अभी भी राम की पौड़ी में लोग स्नान कर रहे हैं। ये देखिए रात्रि होने वाली है और लोग स्नान
कर रहे हैं और रात्रि होने वाली है और अभी भी लोग राम की पौड़ी में स्नान कर रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं लता मंगेशकर चौक आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह है। आगे में चलिए देखते हैं लेजर शो होता है या नहीं।